सामने जो आप मनी प्लांट सीख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मनी प्लांट इस तरीके के हो जाए, तो मैं आज आपको मनी प्लांट्स की जो मैं इसमें खाद यूज़ करता हूँ, जो फीडिंग यूज़ करता हूँ, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपके भी जो घर पे मनी प्लांट्स होंगे वो इसी तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे। तो मनी प्लांट्स के चाहे आपके पॉट में लगे हुए पौधे हों, या किसी मॉस स्टिक के साथ लगा हुआ हो पॉट में, या कोई भी किसी भी तरीके की कोई मनी प्लांट्स हो, तो वो एकदम से तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर देगी। तो इस तरीके के मैं जो भी इसमें फीडिंग यूज़ करता हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके प्लांट्स में आप कितनी भी अच्छी फीडिंग कर लीजिए, तो फीडिंग से पहले जो मैं दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ उसको सबसे पहले आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वो होनी चाहिए। उसके बाद ही जो आप मैं फीडिंग आपको बताऊँगा, जो फर्टिलाइज़र बताऊँगा, वो आपका काम करेगा। तो सबसे पहले मनी प्लांट्स को आपको रखना है सेमी शेड एरिए में, जहाँ पे कि मॉर्निंग की इसे थोड़ी बहुत सनलाइट मिले, जिससे कि जो इसमें जो इसकी पत्तियाँ हैं उस पर जो वेरिएशन है वो निकल कर आएगा, और साथ ही साथ इसकी जो ग्रोथ है वो ओवरऑल बहुत अच्छी निकल कर आएगी। सेकेंड, आपको जो ध्यान रखना है कि मनी प्लांट्स के पौधे में कभी भी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। हमेशा जब तक इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखे ना, मतलब थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम ना हो इसकी मिट्टी में, तब तक आप दोबारा पानी मत दीजिए। ज़्यादा सौगी मिट्टी की वजह से भी मनी प्लांट्स का जो पौधा होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको फीडिंग किस तरीके से आपको करनी। तो मनी प्लांट्स के लिए हम यहाँ पे तीन तरीके का जो फर्टिलाइज़र, जो खाद हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो आप तीन खाद यूज़ करेंगे, इन्हें आप 15-15 दिन के इंटरवल में जब आप अपने प्लांट्स को देंगे, तो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी से निकल कर आएगी। तो सबसे पहले जो आपको देना है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए, या कंडे का कोई टुकड़ा हो तो वो भी ले लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। दूसरी जो चीज़ है ये है एनपीके। एनपीके 19-19-19 से भी जो मनी प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। तीसरी जो चीज़ है ये है हमारे पास चाय की पत्ती, जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। इससे भी मनी प्लांट्स की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको 15-15 दिन के गैप में देना है। किस तरीके से देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चाय की पत्ती की, तो इस तरीके का आप मग्गा ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, और चाय की पत्ती के 2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट की, इसको फीडिंग के लिए। तो 2 चम्मच जब आप इसमें डाल देंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे चाय की पत्ती और कंपोस्ट, तो ये आपको रात को भिगो के रख देनी है, या फिर 2-4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगोना होगा। तो चाय की पत्ती को आप 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ 2 चम्मच इसमें डालिए, और 4-5 घंटे भिगने के बाद आप अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। अगर कंपोस्ट की बात करूँ, तो आपको 1 मुट्ठी कंपोस्ट लेनी है, और कंपोस्ट को आपको इस तरीके से पानी में डाल देना है, और पानी को हिला दीजिए, और 3-4 घंटे का वेट कीजिए, जब ये अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएगी, उसके बाद आपको अपने मनी प्लांट्स के पौधे में इसको दे देना है। और बात करूँ 15 दिन के बाद से, उसके बाद जब आप एनपीके देंगे, तो एनपीके हमेशा प्लांट्स के हिसाब से देना होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमेशा लिमिटेड ही रखनी होती है। तो एनपीके के लिए आप आधा स्पून एक मग्गे में आप घोलिए, और उसे तुरंत दे सकते हैं आप, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है, ये केमिकल होता है, तो इसे आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं। तो आधा चम्मच आप अपने पानी में डालिए, और प्लांट्स पे या तो स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे के साथ साथ आप सीधे जड़ों में भी दे सकते हैं। तो जब 4-5 घंटे हो जाएंगे, तो किस तरीके से आपको प्लांट्स में देना है वो मैं बताता हूँ। तो आपको, अगर आपका मॉस स्टिक के साथ प्लांट है, तो आपको मॉस स्टिक में भी इस तरीके से देना है, और अगर आपका मॉस स्टिक के बिना प्लांट है, तो आप नीचे नीचे इस तरीके से पूरे प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने प्लांट्स की में फीडिंग करेंगे, तो आपके जो मनी प्लांट्स हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको मिल गई होगी फीडिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।